स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस अबाउट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, स्पेशल मेथड्स ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जनरली टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड। जैसा आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में रिप्रोडक्शन साधारणतः वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, बट इन मेनी प्लांट्स देयर आर सम सच मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि वह बिना फर्टिलाइज हुए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के थ्रू न्यू प्लांट्स जर्मिनेट कर जाते हैं। सच मेथड्स आर नोन एज स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे मेथड को स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कहा जाता है। सम अथर्स आर कॉल्ड दीज एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा यह कहा गया है कि जो ये स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है उसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है। और फॉलोइंग आर द स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। स्पेशल टाइप्स के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके मेथड्स कुछ इस तरह से होते हैं। फर्स्ट वन इज द एपोमिक्सिस, सेकेंड वन इज द एगेमोस्पर्मी, थर्ड वन इज द माइक्रो प्रोपेगेशन एंड फोर्थ वन इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एपोमिक्सिस। अकॉर्डिंग टू हैंस विंगलर्स 1908, रिप्लेसमेंट ऑफ जनरल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एनी सच मेथड इन विच मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर इन टर्म्स एपोमिक्सिस। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्थान पर इस तरह से रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो पा रहा हो जिसमें कि मियोसिस और फर्टिलाइजेशन ना पाया जा रहा हो, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस और मियोसिस डिवीजन ना हो पा रहा हो, उस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहा जाता है। जिस ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन कंप्लीट ना हो रहा हो, उस प्रोसेस को, उस टर्म को एपोमिक्सिस कहा जाएगा। और एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैव इंक्लूडेड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड एगेमोस्पर्मी इन एपोमिक्सिस। एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो भ्रूण वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा यह बताया जाता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एगेमोस्पर्मी होते हैं एपोमिक्सिस में कौन कौन से टर्म होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड ए गेमोस्पर्मी। इट मीन्स क्या होता है, गेमिट इज नॉट कम्प्लीट इन दिस प्रोसेस एपोमिक्सिस। और अकॉर्डिंग टू द अबव डेफिनेशन एपोमिक्सिस इज ऑफ टू टाइप्स। एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार क्या है, एपोमिक्सिस को दो तरह से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट वन इज द स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, सेकेंड वन इज द गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। फर्स्ट वन इज द स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस क्या है, दिस इज आल्सो नोन एज एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी। यह इस टर्म को, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस को एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी भी कहा जाता है। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस एम्ब्रियो में डेवलप फ्रॉम एनी डायप्लॉइड सेल ऑफ न्यूसेलस आर इंटेगमेंट। ओवियस का जो भी पार्ट है न्यूसेलस या इंटेगमेंट है उसके डायप्लॉइड सेल के डेवलपमेंट से इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इसे स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस कहा जाता है। कह रहा है कि जब ओव्यूल का न्यूसेलस या इंटेगमेंट पार्ट्स के डायप्लॉइड सेल से डेवलपमेंट हो रहा हो, इम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा हो, तो उसे कहते हैं स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन आर नॉट इन्वॉल्व। इस प्रोसेस में स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस के दौरान मियोसिस और फर्टिलाइजेशन
इन्वॉल्व नहीं होता है। इट मीन्स गेमिट्स का कोई ज़रूरी नहीं है, गेमिट्स बस केवल क्या है, ओव्यूल का जो इंटेगमेंट पार्ट है या न्यूसिलस पार्ट है उसकी डायप्लॉयड सेल के डेवलपमेंट से रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जा रहा हो उसे कहते हैं एस्ट्रोफिटिक एपोमिक्सिस। सेकेंड वन इज द गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम एनी हैप्लॉयड सेल ऑफ एम्ब्रियो सेल। इस तरह का रिप्रोडक्शन जब ओव्यूल के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में के एम्ब्रियो सेल का कोई भी एम्ब्रियो सेल के हैप्लॉयड सेल के डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा हो उसे कहते हैं गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस क्या है? एम्ब्रियो सेक के हैप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट होने लगता है उसे गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस कहते हैं। अंडरस्टैंड दिस इज टू टाइप्स। यह दो तरह का होता है गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द वेन एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग सेल। जब अनिषेचित मतलब कि अनफर्टिलाइज्ड एग सेल मीन्स एक फर्टिलाइज भी नहीं हुआ है और एक फर्टिलाइज न होकर के भी वह एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जा रहा हो, ये क्या हो रहा हो, फर्टिलाइज न हो करके डायरेक्ट एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जा रहा हो, देन द इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। एक डायरेक्ट एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो रहा हो, एक कहाँ है, स्टील के पार्ट में ओवी के अंदर क्या है, एक है, तो एक यदि फर्टिलाइज भी नहीं हुआ है वह डायरेक्ट एम्ब्रियो के रूप में डेवलप हो जा रहा हो, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। एंड व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी हैप्लॉयड सेल ऑफ एम्ब्रियो सेक लाइक सिनर्जिड्स आर एंटीपोडल सेल देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एपोगेमी। अब इस कंडीशन में यह कहा जा रहा है कि जब एम्ब्रियो का बनना हैप्लॉयड सेल के एम्ब्रियो सेक के हैप्लॉयड लाइक एज दैट सिनर्जिड्स आर एंटीपोडल सेल के थ्रू एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा हो, यानी कि एम्ब्रियो सेक के सिनर्जिड्स आर एंटीपोडल सेल, जैसे हम लोग ओव्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे ना क्या क्या प्रेजेंट है, सिनर्जिड्स है और एंटीपोडल सेल है, तो ये सिनर्जिड्स है एंटीपोडल सेल्स के जो हैप्लॉयड सेल है एम्ब्रियो हैप्लॉयड सेल है उसके द्वारा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जा रहा है, तो इस प्रोसेस को एपोगेमी कहा जाता है। एपोमिक्सिस इन द फ्लावरिंग प्लांट। एपोमिक्सिस क्या है? फ्लावरिंग प्लांट में होता है, हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स ऑफ टाइप्स बाय प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी 1950। तो पंचानन माहेश्वरी के द्वारा यह एपोमिक्सिस जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में देखा गया है वह दो तरह से बताए। फर्स्ट वन इज द नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, उसको दो पॉइंट में इन्होंने बताया, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, एंड सेकेंड वन इज द रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड रिकरेंट एपोमिक्सिस, दीज हैव फर्दर बीन डिवाइडेड इनटू मेनी टाइप्स। इसको कई टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वी शैल वेरीफाई स्टडी द फॉलोइंग फोर टाइप्स। मुख्यतः यह चार तरह के टर्म को ध्यान में देते हुए स्टडी किया गया। फर्स्ट वन इज द नॉन रिकरेंट, सेकेंड वन द रिकरेंट एपोमिक्सिस, थर्ड वन इज द एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, एंड फोर्थ वन इज द वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। फर्स्ट वन इज द नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस,
नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस क्या है? इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, इस तरह के एपोमिक्सिस में वन हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगा स्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। मेगा स्पोर मदर सेल दो तरह के होते हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल होते हैं, एक मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप एम्ब्रियो सैक के हैप्लॉयड क्या होता है, वन हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा? मेगा स्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन के फलस्वरूप वन हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है या फॉर्मेशन होता है। इफ एनी एन एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम एन हैप्लॉयड एग, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हैप्लॉयड एग से होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉयड एग से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज कॉल्ड हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। इस तरह के एपोमिक्सिस को हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। हैप्लॉयड में आप जानते ही हैं कि सिंगल न्यूक्लियेटेड होता है, तो हैप्लॉयड चूंकि यह हैप्लॉयड प्रोसेस से है, आप देखेंगे हैप्लॉयड एग से है, एक क्या है हैप्लॉयड नेचर है, इसलिए इसे कहते हैं हैप्लॉयड। और विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉयड एग से किसका डेवलपमेंट हो रहा है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस एपोमिक्सिस टाइप को क्या कहा जाता है? हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। दिस प्रोसेस इन प्लांट्स वाज फर्स्ट स्टडीड बाय जॉर्गेंसन इन 1928। हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस को सर्वप्रथम स्टडी करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जॉर्गेंसन इन 1928। और वन मार्क्स क्वेश्चन के लिए है, वेलनेस यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस को सर्वप्रथम किसने स्टडी किया? तो जॉर्गेंसन ने 1928 में हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस का सर्वप्रथम स्टडी किया, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी किया। ऑन द अदर हैंड, इफ एम्ब्रियो इज डेवलप्ड फ्रॉम एनी अदर सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जब दूसरे शब्द में कहा जा सकता है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसी दूसरे फीमेल गैमेटोफाइट के सेल से हो रहा हो, एक्सेप्ट द एक सेल को छोड़ करके फीमेल गैमेटोफाइट से हो रहा है। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब क्या है? पूरा प्रेस्टिड पार्ट है, उसमें केवल एक पार्ट को छोड़ दिया जाए। तो एक सेल को छोड़ करके सारे जितने भी फीमेल गैमेटोफाइट हैं उससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा हो, देन इट इज कॉल्ड द हैप्लॉयड एपोगेमी। इसे क्या कहेंगे? हैप्लॉयड एपोगेमी कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज हैप्लॉयड एपोगेमी। दिस कंडीशन इज फाउंड इन धतूरा एंड मेज। और यह कंडीशन किस में देखा जाता है? किस प्लांट में? धतूरा और मेज प्लांट में देखा जाता है। सेकेंड वन इज द रिकरेंट एपोमिक्सिस। दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस इज आल्सो नोन एज गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। इस तरह के जो एपोमिक्सिस है इसको गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस भी कहा जाता है। ड्यू टू द फेल्योर ऑफ मियोसिस, जब मियोसिस डिवीजन फेल्योर हो जा रहा हो, मीन सफल नहीं हो पा रहा हो, कंप्लीट न कर पा रहा हो, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन्स डाइप्लॉयड सिमिलर टू दैट ऑफ द मदर प्लांट्स। कह रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन्स क्रोमोजोम्स, द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट के नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स की जो बचे हुए नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है उससे डाइप्लॉयड नेचर में सिमिलर टू दैट ऑफ प्लांट्स मदर प्लांट्स मदर प्लांट के डाइप्लॉयड नेचर शो कर रहा हो, तो इस तरह के टर्म से दो तरह के प्रोसेस देखा जाता है रिकरेंट एपोमिक्सिस। फर्स्ट वन इज द जनरेटिव एपोस्पोरी। जनरेटिव एपोस्पोरी क्या है? इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, इस तरह के एपोमिक्सिस में क्या होता है?
द एम्ब्रियो सैक इज डेवलप्ड फ्रॉम द डायप्लॉयड सेल ऑफ आर्किस्पोरियम। आर्किस्पोरियम के डायप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा हो, इसमें क्या हो रहा है, आर्किस्पोरियम के डायप्लॉयड सेल से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो जा रहा हो, फ्रॉम द डायप्लॉयड सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक एम्ब्रियो इज फॉर्म। इस डायप्लॉयड सेल एम्ब्रियो सैक के डायप्लॉयड सेल से किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। हिंस द एम्ब्रियो फॉर्म फ्रॉम दिस सेल्स इज डायप्लॉयड। इस तरह से जो एम्ब्रियो होता है वह डायप्लॉयड सेल के रूप में होता है। सेकेंड वन इज द सोमैटिक एपोस्पोरी। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस डायप्लॉयड एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम द डायप्लॉयड सेल ऑफ न्यूसेलस आर इंटेगमेंट। यह कह रहा है कि न्यूसेलस आर इंटेगमेंट, ओवियल के अंदर का ओवियल में आप ये डायग्राम आप देखेंगे न्यूसेलस और इंटेगमेंट दिखाई देता है, तो न्यूसेलस और इंटेगमेंट के डायप्लॉयड सेल से कह रहा है कि एपोमिक्सिस डायप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, डायप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट किससे हो रहा हो, डायप्लॉयड सेल ऑफ न्यूक्लियस आर इंटेगमेंट। डायप्लॉयड सेल आर डायप्लॉयड सेल ऑफ न्यूक्लियस न्यूसेलस आर इंटेगमेंट के डायप्लॉयड सेल से डायप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा हो, एंड फ्रॉम द डायप्लॉयड सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, और उससे क्या हो रहा है, डायप्लॉयड सेल के एम्ब्रियो सैक के द्वारा एम्ब्रियो सैक डायप्लॉयड सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डायप्लॉयड एम्ब्रियो इज डेवलप्ड। इस तरह से डायप्लॉयड एम्ब्रियो सैक से क्या डेवलप होता है, डायप्लॉयड एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। यही बात कर रहा है कि डायप्लॉयड एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट से किसका डेवलपमेंट होता है, किसके डेवलपमेंट से डायप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल के स्ट्रक्चर में जो न्यूसेलस और इंटेगमेंट सेल है उस वह डायप्लॉयड नेचर में होता है। तो डायप्लॉयड नेचर ऑफ द न्यूसेलस आर इंटेगमेंट इज द फॉर्मेशन इन टू द फॉर्मेशन ऑफ द डायप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, इन डायप्लॉयड एम्ब्रियो सैक के रूप में फॉर्मेशन करता है फ्रॉम द डायप्लॉयड सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। इस तरह से जो डायप्लॉयड एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाता है उसके उसी से डायप्लॉयड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है। थर्ड वन इज द एडिवेंटी एम्ब्रियोनी। दिस प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन विच द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस फ्रॉम एनी डायप्लॉयड सेल ऑफ द ओव्यूल। यह क्या होता है, किसी भी डायप्लॉयड ओव्यूल की किसी भी डायप्लॉयड सेल से के स्थान पर एम्ब्रियोजेनी का डेवलपमेंट हो जाता है, सच एज सेल ऑफ न्यूसेलस आर इंटेगमेंट सिचुएटेड आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक से क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक आउटर पार्ट है वो उस ओव्यूल के जो एम्ब्रियो सैक पार्ट के हैं किनारे चारों तरफ इंटेगमेंट आउटर इंटेगमेंट इंटर इंटेगमेंट और उसके साथ साथ न्यूसेलस, इस सेल के द्वारा जब डायप्लॉयड सेल के ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एडिवेंटिव एम्ब्रियोनी कहा जाता है। दिस इज आल्सो नोन एज स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस, इसे स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस भी कहा जाता है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं लेमन एंड मैंगो, लेमन मैंगो में आप देखेंगे किस तरह के एपोमिक्सिस देखा जाता है, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस देखा जाता है। एक नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, लीमन और मैंगो में किस टाइप के एपोमिक्सिस होता है, स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस होता है। नेक्स्ट वन इज द वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। इन दिस टाइप ऑफ एपोमिक्सिस बल्बस आर वेजिटेटिव प्रोपिग्यूस आर फॉर्म इन द प्लेस ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स। किसी भी ऐसे जो प्लांट्स में के स्थान पर
क्या होता है वेजिटेटिव और प्रोपिग्यूस क्या करते हैं बल्बिस जो निकलते हैं या वेजिटेटिव प्रोपिग्यूस निकलते हैं उसके द्वारा यदि कोई भी प्लांट जर्मिनेट कर जा रहा हो जर्मिनेट वाइल द स्टील प्रेजेंट अटैच टू द प्लांट ऑन विच दे आर फॉर्म्ड दिस टाइप ऑफ एबोमिक्स इज फाउंड इन द ओनियन एंड अगेव। आप देखोगे कि ओनियन प्याज और ये सब अगेव में इन सब में क्या होता है कि पूरी तरह से वेजिटेटिव पार्ट से ही उसकी जो क्या होता है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ओनियंस में। तो ओनियन प्याज में आप देखोगे कोई भी ऐसे रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं वेजिटेटिव पार्ट से ही उसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो पा रहा होता है पूरी तरह से डेवलप हो जाता है जर्मिनेट कर जाता है। कहने का मतलब क्या है कि यह पूरी तरह से जो फ्लावरिंग पार्ट्स ऊपर होते हैं फ्लावर तो निकलते हैं बट कुछ समय के बाद निकलते हैं लेकिन उसी के ठीक लोअर साइड में ओनियंस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाता है। इस टाइप को कहते हैं एपोमिक्सिस वेजिटेटिव एपोमिक्सिस कहा जाता है। एग्जाम्पल है ओनियन एंड अगेव। तो आज हम लोग इतने ही पढ़े इस टॉपिक जितने भी टॉपिक को हम लोग पढ़े उस टॉपिक को आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और सीरियसली पढ़ाई करिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एपोमिक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स एपोमिक्सिस। तो आज हम एपोमिक्सिस कंप्लीट किए और नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के क्या इम्पोर्टेंस है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक्स। चला हो गलत ना बड़ा वीडियो 21-22 मिनट को।